गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है, रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। ये भी आपकी इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। इनोलेट इसके अंदर इंटरमीडिएट रहता है, इसलिए हम इसे इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे हैं, रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। यहाँ पर जस्ट मैं रॉबिन्सन एनुलेशन की जनरल रिएक्शन आपको डिफाइन करने वाला हूँ, जो आपको इनोलेट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यूजफुल है, एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो इसके अंदर होता है क्या है कि आपको मिलता है यूजफुल फॉर साइक्लिक फॉर्मेशन रिएक्शन, सिक्स मेंबर रिएक्शन या सिक्स मेंबर रिंग इसके अंदर फॉर्म रहती है। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड आप रॉबिन्सन एनुलेशन के द्वारा बना सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक या सिक्स मेंबर रिंग। इसके अंदर क्या रहता है कि दो रिएक्शन एक साथ कंबाइंड रहती है, इट कंटेन टू रिएक्शन। पहला जो पार्ट रहता है उसके अंदर ये रहता है आपका दिस वन माइकल एडिसन रिएक्शन, यानी इनोलेट का जो आपका एक इनोलेट बनेगा उसका वाइनिल कीटोन के ऊपर माइकल एडिसन होगा। और सेकंड पार्ट जो है इसका ये है आपके पास एल्डोल रिएक्शन, दिस वन ए माइकल एडिसन को मैं रिप्रेजेंट करूँ एम से, एल्डोल को ए से। इट मीन्स क्या वर्ड बना मेरे पास एम ए, और रॉबिन्सन एनुलेशन मीन्स आर ए, यानी कि मेरे पास एक वर्ड तैयार हो गया आर ए एम ए। ठीक है, वर्ड क्या बना मेरे पास आर ए एम ए यानी रामा। इससे आप रॉबिन्सन एनुलेशन में होने वाले रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। रॉबिन्सन एनुलेशन माइकल एडिसन प्लस एल्डोल रिएक्शन, इन दोनों के कंबाइंड से रॉबिन्सन एनुलेशन बना। ये है आपके पास ट्रिक जिसके द्वारा आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था कि आपके रिएक्शन के लिए दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, ये आपका था कीटोन था, तो कीटोन के अल्फा पोजिशन वाले प्रोटोन एसिडिक होंगे। यहाँ पे अगर एनायन बनेगा तो वो कॉन्जुगेशन रहेगा इस डबल बॉन्ड के साथ, अगर यहाँ पे एनायन बनेगा तो उसका कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो आपको जो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन है वो पोजिशन ए से होगा, ना कि पोजिशन बी से। तो पोजिशन ए से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होगा, आपने बेस यूज में लिया, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये बना आपका इनोलेट। इनोलेट बना मैं उसको हाईलाइट करता हूँ दिस वन ग्रीन से। अब आपने सेकेंड पोजिशन में क्या यूज में लिया, दिस वन इज वाइनिल कीटोन। ओके, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको वापस से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाइनिल कीटोन। ओके, ऐसे तो इसका पूरा नाम है मिथाइल वाइनिल कीटोन, दिस इज मिथाइल वाइनिल कीटोन। अब आप क्या करेंगे, ये आपका बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड ओपन, ये आपका इस टर्मिनल पे क्या हो रहा है मेरे पास माइकल एडिसन। माइकल एडिसन क्या रहता है, माइकल एडिसन इज माइकल एडिसन रहता है वन फॉर एडिसन, तो यानी कीटोनिक पोर्शन के वन फॉर एडिशन रहता है। तो ये है मेरे पास वन, कौन सा वन है, ऑक्सीजन वन, दिस टू, दिस थ्री एंड दिस फोर्थ। तो फोर्थ पोजीशन पे जाके ये अटैक करेगा और आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको फोर्थ नाम दिया, ये सपोज कीजिए फाइव है और ये आपका है सिक्स। तो फाइव एंड सिक्स के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, दिस वन इज फाइव, दिस वन इज फोर, सॉरी फोर के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड, फाइव एंड फोर आपका आप कंबाइंड हो गया। और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ आपके, यहाँ पे, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। इसे मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ से हाईलाइट करता हूँ एक्वा कलर से, सॉरी जस्ट वन मिनट, एक्वा कलर हमको लेना है। ये लिंकेज मेरे पास बना और यहाँ पे आपके पास कार्बन है और इसके साथ जुड़ा हुआ जो मिथाइल था उसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए ना, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को मैंने रिप्रेजेंट किया, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये, और ये अभी जो पोर्शन बना वो वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक आइसोमराइज होगा। आइसोमराइजेशन कैसे होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, मत डबल बॉन्ड ने अपने पोजिशन चेंज किए और कुछ नहीं हुआ। बस मैं वापस से रिड्रॉ करता हूँ मॉलिक्यूल को, आपके पास एक नीट एंड क्लीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज ओएमई, यहाँ पे आपके पास क्या है दिस, यहाँ पे अब आएगा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो मैं नेगेटिव चार्ज ही रखूंगा उसको, वन टू, ये यहाँ पे अब डबल बॉन्ड हो जाएगा और वो हाइड्रोजन जो यहां से शिफ्ट हुआ था, यानी कि जो ए पोजीशन से शिफ्ट हुआ था वो बी पोजीशन के ऊपर जाके अटैच होगा, तो यहाँ पे अटैच हो गया दिस वन हाइड्रोजन। ओके, अब क्या होगा, अब मेन चीज है यहाँ पे क्या था, कीटोन ही था, कीटोन बना लीजिए। अब आपका एक साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगा, कैसे,
आप देखिए किसके किसके बीच में बनेगा, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी। देखिए कैसे, नाम देता हूं मैं पर्पल से, वन दिस वन इज टू, दिस वन इज थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अगर मेरा अटैक हो गए, अटैक कैसे कराएंगे, जस्ट वन मिनट, बोर्ड वापस चालू होगा। ओके बोर्ड चालू हो गया, पिंक कलर में लेता हूं यूज में। ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे अटैक, ये डबल बॉन्ड ओपन, और फिर आपका ये करेगा अटैक कहां पे, इस पोजीशन पे। यहां पे क्या था, कीटोन था, अभी मेरा रब हो गया, ठीक है। यहां पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड आपका ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब तो बस आपको यही ड्रॉ करना है, आपके पास इसी मैकेनिज्म को फॉलो करना, और आपके पास क्या मिलेगा, मैं नीचे लिख देता हूं। आपके पास जो पोर्शन मिलेगा नीचे की ओर, उसे मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं। ये बेंजीन था, ये OMe था, ये अब फेस के अंदर रहेगा, दिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे आपके पास मिला दिस, यहां पे ले लीजिए आप दिस वन, और इसको मैंने रोटेट किया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और एक ये मिलेगा आपके पास दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गया आपके पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स मेंबर रिंग होगी। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है आपके पास, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये ही पूरा का पूरा डिफाइन कहाँ पर है, यहाँ तक तो मैं सेम था, अब मेरे पास बना दिस वन इज सॉरी सिक्स नंबर पे एक प्रोटॉन भी होगा आपके पास। अब बेसिक कंडीशन है, ईवन सीबी मैकिंग में आपका अप्लाई रहेगा, क्या रहेगा, ईवन सीबी। अगर आप बेसिक कंडीशन है, बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ईवन सीबी मैकेनिज्म होगा आपके पास। ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट जो यहां पे अटैक, ये ओ माइनस बाहर निकल जाएगा आपके पास, तो आपको मिलेगा सिक्स मेंबर रिंग अदर मिलेगा। अब मैं अगर सही से इसे रीअरेंज करके लिखूं तो मेरे पास कुछ इस टाइप से आपको प्रोडक्ट दिखेगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। यहां पे सिक्स मेंबर रिंग, इन दोनों के बीच में आपको मिला डबल बॉन्ड, और इसके जस्ट एडजस्ट में यहां पे मिला मुझे कीटोन। ये जो नंबर था ये था फाइव, ये था आपका सिक्स, ये था आपका वन, दिस वन इज टू, दिस वन इज थ्री, दिस वन इज फोर, तो मुझे मिल गया ये प्रोडक्ट। ओके रॉबिन्सन एलिमिनेशन का ये मुझे प्रोडक्ट मिला, और जो मुझे सिक्स मेंबर रिंग नहीं मिली है वो ये वाली सिक्स मेंबर रिंग मुझे मिली है, ठीक। तो यही प्रोडक्ट आपको रॉबिन्सन एलिमिनेशन के अंदर मिलता है, सिक्स मेंबर रिंग मिलती है आपको। एक यहाँ पे याद रखना है, अगर आप इस पर्टिकुलर आइसोमराइजेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे, किस कौन से पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, तो आप प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करोगे। आपको पहले आइसोमराइज करना है, इस टर्मिनल पे डबल बॉन्ड लाना है, अभी इंटरनल डबल बॉन्ड है, इसको टर्मिनल डबल बॉन्ड के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको आइसोमराइज करना होगा, आइसोमराइज, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे इंटरनल पे एच चला जाएगा। अब ये टर्मिनल साइट आपका अटैक करेगा कीटोन के ऊपर, तो आपको मिलेगा ये सिक्स मेंबर रिंग। अब आप ईवन सीबी मैकेनिज्म के द्वारा फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा ईवन सीबी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसी के अंदर रॉबिन्सन एलिमिनेशन के अंदर एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब आपके पास एल्डोल, ये सॉरी रॉबिन्सन एनुलेशन का आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपके पास एरो के ऊपर बेसिक कंडीशन अप्लाइड है और ये आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, स्टार्टिंग मटेरियल। अब देखिए स्टार्टिंग मटेरियल में आपको क्या देखना है, ये आप एक्ट एज कैसे आप इसको देख सकते हैं, एल्डोल रिएक्शन भी देख सकते हैं और रॉबिन्सन एलुलेशन भी देख सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो पहले चेक कीजिए कि एसिडिक प्रोटॉन कौन कौन से, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। डाइकीटोन है आपके पास एक ही स्टार्टिंग मटेरियल में, मैं इसको नाम देता हूँ, सपोज मैंने इसको नाम दिया वन, यहाँ पे मेरा वन के ओ एच यानी मोर हिंड्रेंस साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वन एसिडिक प्रोटॉन, टू थ्री फोर एंड फाइव। तो रॉबिन्सन एलुलेशन के थ्रू फाइव मेंबर रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रॉबिन्सन एनुलेशन में क्या होता है, आपके पास साइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो ये फाइव मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। अगर सपोज कीजिए एल्डोल रिएक्शन होती तो क्या होता है, एल्डोल होती तो वन दिस वन इज टू, दिस वन इज थ्री फोर
सिक्स एंड सेवन मेंबर रिंग होती है। तो हमें पता है कि पहले फाइव मेंबर, सिक्स मेंबर इज ग्रेटर देन फाइव, फाइव इज ग्रेटर देन सेवन, सेवन इज ग्रेटर देन थ्री एंड थ्री इज ग्रेटर देन फोर। ओके, तो सिक्स मेंबर तो रिंग बन नहीं रही बट फाइव मेंबर रिंग बन रही है, तो सेवन मेंबर पे हम स्विच नहीं करेंगे, फाइव मेंबर पे ही रहेंगे। तो जो सेवन मेंबर के लिए जो कोडिंग दी उसे हम रब कर देते हैं। हमें किस पे रहना है, सिक्स फाइव मेंबर पे रहना है। और जो प्रोडक्ट बनेगा वन एंड फाइव के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो दिस इज वन एंड फाइव के बीच में आपको ये डबल बॉन्ड देखने को मिला। एंड वन पोजिशन के ऊपर असाइल सबस्टिट्यूएंट है, तो इस असाइल सबस्टिट्यूएंट को मैं हाईलाइट करता हूँ एक्वा कलर से, ये एक्वा कलर से। तो ये मिल गया मेरा रॉबिन्सन एलिवेशन का प्रोडक्ट हो गया, पॉलीसाइक्लिक बन गया प्रोडक्ट। सपोज यहाँ पर एक आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा समथिंग, ये भी था आपके पास। यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो बेस है वो क्या देखा, पाइप पीरियडिंग आपको बेस दे रखा। पाइप पीरियडिंग मीन्स एसिडिक कंडीशन में दे रखा है, ये नाइट्रोजन, ये आपका रहेगा पाइप पीरियडिन। ओके, एसिडिक कंडीशन में दे रखा तो इमाइन बॉन्ड सबसे पहले क्रिएट करेगा इमाइन, इसके साथ इस कीटोन के साथ, किसी एक कीटोन के साथ। देन आफ्टर इनेमाइन बनेगा, इमाइन से फिर आपके पास बनेगा इनेमाइन, और फिर इनेमाइन क्या करेगा, इंट्रा मॉलिकुलर एल्कलाइजेशन करेगा या साइक्लाइजेशन करेगा, इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लाइजेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन आपके पास परफॉर्म करेगा। तो ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए है, आपको ये अप्लाई करके देखना, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ आपको थ्री नंबर, ठीक है, क्वेश्चन थ्री है ये। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन थ्री। तो देखिए साइक्लाइजेशन सिक्स मेंबर अगर बन रहा है तो पहले बनेगा तो वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव नंबर पर एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है, तो फाइव मेंबर बन रहा है, सिक्स मेंबर तो नहीं बन रहा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, या फिर सेवन मेंबर बनेगा, तो सेवन एंड फाइव में फाइव मेंबर पहले बनेगा। पहले इस टर्मिनल के ऊपर ये बन गया मेरे पास इनेमाइन बॉन्ड, इनेमाइन, ओके, इनेमाइन बना। एंड देन आफ्टर आपके पास क्या हुआ, इसका साइक्लाइजेशन हुआ, तो वो होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव, यस, ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव के बीच में साइक्लाइजेशन हुआ। और आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपके पास ये फाइव मेंबर रिंग, वन के ऊपर आपके पास एक सब स्टूडेंट आएगा, दिस वन इज असाइल, सॉरी ये था आपका सी एस थ्री ना, यहाँ पे आपके पास आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, जस्ट मिनट, ये रहेगा आपका पहले से वन टू एंड थ्री, तो ये वन टू एंड थ्री, यहाँ पे भी एक सब स्टूडेंट है, दिस वन इज आइसोप्रोपिल, और आपके पास वन एंड फाइव के बीच में बना है, तो ये वन, ये था आपके पास फाइव, और टू थ्री फोर थ्री के ऊपर आपका एक सब स्टूडेंट था, तो ये वन टू एंड ये थ्री, ये जो सब स्टूडेंट आएगा थ्री पे आएगा। इसको वापस से रिडिफाइन कर लेते, कुछ प्रॉब्लम हुई है, मिस्टेक है इसमें, तो उस मिस्टेक को सही करते हैं। एक फाइव मेंबर रिंग बनाइए आप, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक को नाम दीजिए आप फाइव, एक को नाम दीजिए आप वन, ठीक है। वन से थ्री पोजिशन पे मिथाइल बनाइए, वन टू थ्री आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा यहाँ पे, और वन नंबर पे आपको बनाना असाइल, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट आपका, साइक्लिक प्रोडक्ट हमारे पास देखने को मिला। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट एग्जांपल है, उसे चेक कर लेते हैं, इसे देखते हैं डाई कीटोन कहाँ कहाँ पर, पहले उसे हाईलाइट करते हैं, दिस वन इज कीटोन या एल्डिहाइड आपके पास, एंड इनके बीच में साइक्लाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। ये भी आप फेस के अंदर है, ये भी आप फेस के अंदर है, ओके। तो आपने क्या लिया है, बेस लिया है, बेस लिया है तो सिक्स मेंबर रिंग अगर पॉसिबल है तो बनेगी, या फिर फाइव मेंबर रिंग, या फिर सेवन, या फिर थ्री मेंबर। तो देख लेते, ये आपका यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कीटोन आ रहा है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, यस कीटोन है, तो वन एंड फाइव के बीच में साइक्लाइजेशन होगा। पहले आपको मिलेगा यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन, आपने एन ए ओ एच लिया है, तो एन ए ओ एच क्या करता है, वन टू थ्री फोर फाइव, जस्ट वन मिनट, तो ये आपका वन नंबर,
2, 3, 4 एंड 5। तो 5 एंड 1 के बीच में आप डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये आपका था 1 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिला, और जो इनवॉलेट बनेगा वो 1 नंबर पे ही बनेगा, ठीक है। ये आपका अप फेस के अंदर पहले हमने क्या किया, इसको साइक्लोहेक्सेन के रूप में ड्रॉ किया, जिसमें दो रिंग है। आपकी जो नीचे वाली रिंग है वो है आपके पास येलो से ड्रॉ किया है, और जो अप रिंग बनेगी वो आपके पास ग्रीन से मैं हाईलाइट करता हूँ, ये ग्रीन वाली आपकी अभी रिंग बनेगी, और नीचे वाली येलो साइड से था। तो जो येलो है जो बेस आपका साइक्लोहेक्सेन का, उसमें ये आपका लॉकिंग ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, तो मैंने यहाँ पे इसे अप साइड में इसे लॉकिंग ग्रुप रखा है, ठीक है। तो 1, 2 के ऊपर ही अप, तो ये 2 के ऊपर अप पोजिशन में है ये। 3, 4 के ऊपर अप, तो ये 1, 2, 3, 4 के ऊपर दिस वन इज अप, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इजीली हो पाएगा। तो यहाँ पे जो इनवर्ट बनेगा वो फिर इन दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया मेरे पास और आपको मिला। फिर आप इसे रीड्रॉ करेंगे, तो रीड्रॉ करने के बाद आपको इस टाइप से ये मिलेगा, दिस वन 1, 2 के ऊपर अप फेस के अंदर, दिस वन 3 एंड 4 के ऊपर भी अप फेस के अंदर, ये आपका प्रोडक्ट आपके पास देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये मिथाइल था, तो इसको मिथाइल भी करना पड़ेगा, दिस वन इज मिथाइल, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, पर्टिकुलर लेक्चर में हमने रॉबिन्सन एलुलेशन के बारे में स्टडी की, जो कि इनोलेट केमिस्ट्री के थ्रू ही उसके अंदर रिएक्शन परफॉर्म होती है। पॉलीसाइक्लिक रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हमने कुछ इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल रिएक्शन के एग्जाम्पल भी यहाँ पे कवर किए। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।